मैं मीडिया के सामने आने का एक ही वजह है, कल सुनवर बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुनवर बेग प्राइड इंडिया तो बोलना मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा, वो चोर इंडिया कंपनी बोलते, सब भी लोग समझना आगे से चल के, प्राइड इंडिया बोले तो समझना नहीं, चोर इंडिया बोले तो पूरे लोग समझना, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले उन्होंने क्रिश्चियन में जो भी घर जुड़े इलीगल परमिशन बोले, परमिशन गए तो उसमें परमिशन नहीं मिल रहा, इसका वजह क्या है बोले तो इलीगल वेंचर है, तुम खरे मिली इलीगल वेंचर, तुम कौन सा डिपार्टमेंट से अप्रूव लिए, जीएचएमसी से लिए नहीं लिए, एचएमडीए से लिए नहीं लिए, जब आपका अप्रूव रहे तो आपको परमिशन मिलता था, 200 गज में इतना बना दिए, मैं एसोसिएशन को हैंड ओवर कर दिया, ये बात है छोटे बच्चे के, पुराने शहर के पूरे लोग अच्छे पढ़े लिखे थे, जाहिल नहीं है, आजकल पुराने शहर में हर एक आदमी कम से कम मिनिमम से मिनिमम डिग्री पढ़ रहा, अच्छे पढ़े लिखे हो गए, और ये मान लो कोई भी पढ़े लिखे सब समझ रहे आपके बात है, तो गोसा व्यंजन सही करे भाई, गोसा व्यंजन सही करे, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते क्रिस्टल में, क्रिस्टल टाउन में रजिस्ट्रेशन कर सकते, आप नोटरियों में बेचे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, वहां परमिशन नहीं मिलता, पटेदारों से पैसे दिए नहीं दिए, अब जो कोर्टों से ऑर्डर आ रहे कौन जा रहे कोर्टों को जब कोर्ट का ऑर्डर आया डिमानिश करो बोल के, तलवार लटक रहा अभी भी, फिर कभी भी टूट सकता, मैं आज सब मैं आवाम को बोल रहा हूँ, पुराने जो क्रिस्टल डॉन के लोगों को बोल रहा हूँ, सुनो और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई दम नहीं है, आज मैं बोल रहा हूँ पटेदारों से जो कोर्ट को गए डिमानिश करो, वो लोगों से कॉम्प्रोमाइज करे तो आपका काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। उन्हें बोला एक बात बोले, मैं मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, मैं सिर्फ प्लाट बेचता हूँ रियल एस्टेट, आने वाले दिन में और 10 एकड़ रियल और 10 एकड़ बेचने वालों बोल के, अरे भाई सुनो और भाई इतनी बात झूठ बात, प्लाटा बेचते बनाने का हमारा काम नहीं है बोले, बालापुर में प्रैक्टिस में क्या है भाई, विलास कौन बना रहे, आपने बना रहे, अमेरिकन टाउन इलीगल लेआउट नहीं है, बालापुर में पेडिल्स में जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, बड़नपेट म्यूनिसपालिटी से परमिशन लिया क्या, लिया नहीं परमिशन, लाइटिंग करके पहले विलास के साथ बेच दिए, विलास बना दिए, विलास में नहीं बना तो बोल के बोले, विलास कौन बनाए भाई, कौन बनाए विलास, सब झूठे वादा करे, मैं आज भी परसों दुबई में रह के उमरा को जाके आया, उमरा को गया तो यही जगह पाता, मैं तो बोलू उमरा को गए नहीं, उमरा को कैसे वाला ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा बात नहीं बोलता, दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर सबसे बड़ा जो मक्का मदीना है, तुम गए बोले ना भाई, तुम आज मैं प्लेन का टिकट तुम्हारे खा दू, प्लेन का टिकट खिला दू, सुनो भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बोला सच बोला बोल के, मैं खाने का गिलास पकड़ो, खाने का गिलास पकड़ के तुम बोलो, पुराने शहर के इससे पहले आपसे पहले भी थोड़े लोग काबे के गिलास पकड़ के झूठे बाधा बोले, फिर आप बोलो सच क्या है, मैं टिकट कट करके दे दू उमरा को, मैं जाके काबे के गिलास पकड़ के सच बोलू, नहीं तो मैं मक्का मस्जिद कर दू, अल जुमला जुम्मा है ना भाई, अगले जुम्मा है ना, अल जुमला जुम्मा है ना, जुम्मे के दिन आखिरी जुम्मे के दिन मैं आ तू मक्का मस्जिद को, मैं गीता लेके आ तू, तू ले जा कुरान ले जा, जो भी बोल रहा मैं सच बोल रहा हूँ, लोगों से पुराने शहर के लोगों को धोखा नहीं दे रहा बोल के, अरे हलाल में बेगमपेट में टूटा ना भाई, तुम इलीगल वेंचर है ना, मुगल्स में क्या इलीगल वेंचर रहता, मेरी जगह में कब्जा करके जो इलीगल वेंचर कर रहा झूठा लड़ने होता, चारकल लैंड लिया बोल के, चारकल लैंड में किस किस का आपका नहीं मालूम, चिरंजीत रेड्डी का 5 एकड़ ने खरीदा, यूसुफ बिन उमर बोल के खरीदा, 5 एकड़ खरीदा यूसुफ बिन उमर, ओनर नहीं है 5 एकड़ का, वन में 15 का यूसुफ बिन उमर नहीं होता,
यूसुपी नंबर अग्रीमेंट तोड़ रहे, 5 एकड़ उसका लैंड, यूसुपी नंबर शरीफ आदमी है, इनार है, उन्हें आके जो है ना कुछ ना करा, कुछ ना कर सका उन्हें। उनका लैंड पे आप कब्जा करके मेरी, उनका लैंड कब्जा करे, मेरी भी लैंड कब्जा करे। आज कौन सा वेंचर सही है तुम्हारा? कोई भी वेंचर साहब नहीं। मैं आज भी बोल रहा हूं, कल उन्हें एक वो बोले, शेर शेरी बोले, मेरे बहुत मजेदार शेर शेरी बानुस बन के इसके हिफाजत अदा करे तो क्षमा क्या मुझे खुदा रोशन बल्कि बोला उन्हें, खुदा करे क्या रोशन का, खुदा करे क्या ये बाधा बोल रहे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल का एक बात, मैं भी एक बात बोल रहा हूं, अरबी की बात है। इना बताशा रबी का लसादा, इसका मतलब क्या है? लसादित समझे, इना बताशा रबी का लसादित, इसका मतलब क्या है? अभी तक खुदा तेरे को डील पतंग का डील जो दिया, पतंग का जो डील, पतंग हवा में होती ना, वो डील दिया पतंग, पतंग का डील, अभी खुदा भी नहीं बचेगा। तो रोजा में रहकर, रोजा में है कि नहीं कि रोजा में रहे तो छुटे पाता नहीं बोलता, रोजा में नहीं हूंगा, कल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोजा में नहीं हूंगा, रोजा में नहीं रहकर पाता बोला, सब छुटा पाता, फिर छुटे पाता बोल दिया। बहुत खूबसूरत है कृष्णा टाउन बोला, अरे तू भी खूबसूरत है, तू भी गोरा है, मैं कामा खा ले ना तेरे, कामा खा ले तेरा कामा। आज भी बोल रहा हूं, ले क्यों मैं पट्टेदार हम है, तू वेंचर करा 20/1, 103/1, मैं वो नो 15 यूसुपी नंबर है, किसी को पट्टेदार को 1 रुपए नहीं दिया। तुम्हारा कार्रवाई कर रहा, कार्रवाई पूरी हो रही कोर्ट से, मैं भी कर रहा हूं, दूसरे लोग भी कर रहे, कौन कौन कर रहे, कार्रवाई कर रहे, पर तेरे झूठे वेंचर और झूठे बयानों से कोई क्रिस्टल टाउन में और लेक्यू में कोई तेरे बात पे भरोसा करने वाला नहीं है। फिर दोबारा तलवार ढलक रहा, तलवार लटक रहा, फिर भी क्रिस्टल टाउन में टूटेगा, लेक्यू में टूटने वाला है। हम करीब में है, टाइम बहुत करीब में, अभी भी पट्टेदार को, जिसका कटी पट्टेदार को रमजान के महीने में तू जिसका पैसा उसको पैसा चुका दे, शिकायत के सर का मत दो, ईमानदारी के साथ जिसका पैसा उसको दो, सब जीने तेरे पीछे छोड़ेंगे, जिसका पैसा उसे कॉम्प्रोमाइज करके तू सही रमजान में आखिरी हल दूंगा, जुम्मे के दिन जाके मक्का मस्जिद में नमाज पढ़े तो मैं भी सब जीने दुआ देने वाले है, नहीं तो वही काले कामा करेंगे तो कोई बचकने नहीं। अगर तेरा मक्का मस्जिद को आना शर्म आ रही, खुदा से डरे तो मोहम्मद पलान के चंद्रागुटे के मोहम्मद पलान के फंक्शन हॉल पे पूरा मीडिया को मैं मिला, जो भी सच बोल, मैं पेपर के साथ जो भी पेपर लेके आता हूँ, जवाब पूछते तो सवाल बोल, सवाल का जवाब देते हो, नहीं तो तू लोग पूरे समय तेरे को कोई नहीं बचाएंगा। मैं तो बोल रहा तू छोड़ेंगे कंपनी सुनोवर पे को, तू रोजा भी लगो रहे बाप, कसम खुदा की तू रोजा भी लगो रहो रमजान का, पूरा मुसलमानों का इज्जत निकल नको निकल, तो रोजा भी लगो रहो सीधे तरीके से, सीधा दे तो सीधा कर, जिसका उसका पैसा दे, खुला हो जा रमजान में, पूरी अल्लाह तेरे पूरा माफ करेगा, है तो कोई तेरे को खुदा भी माफ नहीं करेगा। बस मैं रोजेदारों को पूरे को मेरी सलाम है। सर आप ये बताए, पब्लिक को एक मैसेज दीजिए, जैसा कि आप सनवर बेग का कहना है कि उन्होंने बिजनेस अब दुबई में कर रहे हैं, जिस तरह से इंडिया में उन्होंने पब्लिक के साथ फ्रॉड करके गायब हो गए, अब दुबई में भी कहीं उनके शिकार ना बने लोग। दुबई में भी झूठा काला बना, हाइपर मार्केट, गोल्ड मार्केट, लोगों से पूरे समय मार्केट दुबई का नाम बोल के कई लोगों से करोड़ों रुपए लूट लिया दुबई का नाम, दुबई में मैं सुपर बाजार रख लू, वो करू, ये करू, वो करू, बिजनेस करू, गोल्ड मार्केट, हाइपर मार्केट, अरे सुपर बाजार, हाइपर मार्केट, क्या नामा लगाता, नामों की तो बहुत खूबी खूबी नामा लगाता, दुनिया में जिसको नहीं मिलता वो नामा लगाता, वो नामा लगा के कारोबार करता। आज भी बोल रहा हूँ मैं सुनो और देखो, तू रमजान में सबका खर्चा चुका दे, सबसे कॉम्प्रोमाइज कर दे, नहीं तो तेरे खुदा माफ नहीं करे। तू रोजा रहना भी गुनाह है, रोजा न करो। आज भी बोलूं,
मैं आखिरी अल्फाज में बोलूं, अगर उन्हें आया तो आया, नहीं तो नहीं। उन्हें उसका 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 पूरे पट जो जो जो, जो प्लाटा लिए सब कैसा तो बुक करो, मैं यूनिवर्सिटी दे दू, समझ गया ना। अब आखिरी मैं सब कुछ भी नहीं बोलूं, पुराने शहर के लोगों को मैं रमजान का मुबारक दे रहा हूँ, एडवांस में रमजान का मुबारक दे दूं, रोजादारों को मेरा सलाम है।